नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। अगर आप भी धोनी को महान बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। धोनी 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बने। चेन्नई ने राजस्थान को 4 विकेट से हराया। राजस्थान ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 151 रन बनाए। श्रेयस ने 7 गेंद पर 19 रन बनाए। चेन्नई सुपर किंग्स ने अंतिम एकादश में 2 और राजस्थान रॉयल्स ने 3 बदलाव किए। चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 विकेट से हरा दिया। सवाई मान सिंह स्टेडियम पर खेले गए इस मैच में चेन्नई ने टॉस जीता और गेंदबाजी का फैसला किया। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर 7 विकेट पर 151 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए और मैच जीत लिया। चेन्नई की टीम इस सीजन में 7 में से 6 मैच जीतकर शीर्ष पर है। राजस्थान के सिर्फ 2 अंक हैं, वो अंक तालिका में 7वें नंबर पर है। चेन्नई की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी, अंबाती रायडू, केदार जाधव, फाफ डू प्लेसिस, सुरेश रैना, शेन वॉटसन हैं। अंबाती रायडू ने आउट होने से पहले इस सीजन का अपना पहला और आईपीएल का 18वां अर्धशतक लगाया। धोनी 43 गेंद पर 58 रन बनाकर आउट हुए। इस सीजन में यह दूसरा और आईपीएल का 22वां अर्धशतक है। वॉटसन बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए, उन्हें धवल कुलकर्णी ने बोल्ड किया। वॉटसन जब आउट हुए तब चेन्नई की पारी की 4 गेंदें फेंकी गई थी और उनका खाता नहीं खुला था। रैना 4 गेंद पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौटे और जब वे पवेलियन लौटे तब चेन्नई का स्कोर 1.5 ओवर में 5 रन था। चौथे ओवर के लिए जयदेव उनादकट ने डू प्लेसिस को मिड विकेट पर राहुल त्रिपाठी के हाथों कैच आउट कराया। उन्होंने 10 गेंद पर 7 रन बनाए। जाधव 6 गेंद पर महज 1 रन बना पाए। वे छठे ओवर की 5वीं गेंद पर आर्चर की गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट पर बेन स्टोक्स के हाथों लपके गए। अंबाती रायडू ने 2 चौके 3 छक्के की मदद से 47 गेंद पर 57 रन बनाए और आउट हो गए। रायडू के आउट होने के समय चेन्नई का स्कोर 119 रन का था। राजस्थान की ओर से स्टोक्स हाईएस्ट स्कोरर रहे। स्टोक्स ने 28 रन बनाए और शार्दुल ठाकुर ने 44, दीपक ने 33 और रविंद्र जडेजा ने 20 और दीपक शाह ने 33 रन देकर 2-2 विकेट लिए। मिशेल ने 25 रन देकर 1 विकेट लिया। राजस्थान की ओर से आउट होने वाले बल्लेबाज हैं बेन स्टोक्स, रियान स्टीव, राहुल, संजू, जोस बटलर और जिंक रहाणे। तो कैसी लगी आपको ये खबर, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको बता दें कि चेन्नई ने 2 और राजस्थान ने 3 बदलाव किए थे। उन्होंने हरभजन सिंह और स्कॉट की जगह शार्दुल ठाकुर और मिशेल सेटनर को शामिल किया। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने 3 बदलाव किए। संजू टीम में वापस आए, वहीं रियान पराग इस मैच में आईपीएल से अपना डेब्यू करेंगे। जयदेव उनादकट भी अंतिम 11 में शामिल हैं। तो कैसी लगी ये खबर, हमें एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएँ।